हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कैडेट्स वेब सीरीज को। ये वेब सीरीज आर्म फोर्स की ट्रेनिंग पीरियड की है, जहाँ न्यू बॉयज के ग्रुप्स बने हुए हैं जिसे ये लोग कंपनी बुलाते हैं, और कुछ कंपनीज की बटालियन भी बनी हुई है। बॉयज के इन्हीं ग्रुप्स में न्यू कमर को क्या क्या फेस करना पड़ता है और सीनियर्स इनके साथ कितना स्ट्रिक्ट है, यही दिखाया गया है। साथ ही इन बॉयज में आपस में भी फाइट होती रहती है। वेब सीरीज में आपको बस यही न्यू कमर्स का कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती। अभी बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो वेब सीरीज स्टार्ट होती है 1998 में। आज कुछ न्यू कैडेट्स एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद आर्म फोर्स को ज्वाइन करने आए हैं। इन सभी में मनोज सबसे ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर मूवीज में आर्म फोर्स को देखकर उनके जैसा बनने का जुनून आ गया। बाकी सभी की अपनी कोई ना कोई कहानी है। मनोज के अकॉर्डिंग इनकी कंपनी गरुड़ा बेस्ट है, पर तभी रणधीर बोलता है कि ये सबसे वर्स्ट कंपनी है। न्यू कैडेट्स में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रणधीर लग रहा है। अभी इनको सर्जेंट आकर बहुत डांट लगाता है कि इससे गंदा बैच आज तक नहीं आया, ये इसकी लाइफ की ट्रेजेडी है। सर्जेंट ने मनोज को भी उसकी एक्साइटमेंट देखकर सुना दिया कि इसमें कोई खुश होने जैसी बात नहीं है। फिर हमें पता चला कि रणधीर लेफ्टिनेंट जनरल का बेटा है और इसका भाई पृथ्वी भी आर्मी में है और बहुत अच्छा है, इसलिए रणधीर पर अभी बेस्ट बनने का प्रेशर है। फिर सर्जेंट ने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सीनियर कैडेट्स को दे दी। अब ये अपना सामान रखने और रेस्ट करने रूम में आए ही थे, तभी वो सीनियर्स की टीम यहाँ आ गई। एक एक सीनियर को चार न्यू कैडेट्स को ट्रेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। अब हमें इस वेब सीरीज के मेन लीड फोर बॉयज मिल गए, मनोज, रणधीर, एल्बर्ट और नीरज। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गगन को मिली है, ये भी आर्म्ड फोर्स के सीनियर्स के जैसे ही फुल डोमिनेंट करने के मूड में है। आते ही बॉयज की इंसल्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर ये बॉयज को यहाँ के बाकी रूल्स समझाने लगता है। 3 ईयर्स तक यही कंपनी इनका घर होने वाली है और हर साल यहाँ इंटर कंपनी चैंपियनशिप होती है। 2 ईयर्स से इस चैंपियनशिप को चेतक कंपनी जीत रही है, इसलिए बहुत घमंड है उनमें, उनसे थोड़ा कम फतेह कंपनी में। फतेह कंपनी का लीडर और बटालियन डेप्यूटी लीडर रवि, ये गरुड़ा कंपनी को एकेडमी का टूर करने से मना कर दिया। गगन बताता है कि फतेह कंपनी इनकी गरुड़ा कंपनी का सबसे बड़ा दुश्मन है, कोई मौका नहीं छोड़ते गरुड़ा कंपनी को नीचा दिखाने का। यहाँ टोटल 8 कंपनीज हैं और उनको 4-4 के ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फतेह और गरुड़ा कंपनी एक ही बटालियन में है, तो गरुड़ा कंपनी को हमेशा फतेह कंपनी से सुनना ही पड़ेगा। फिर ये वो इसको पीटी ग्राउंड में ले गया। यहाँ बटालियन कमांडर मेजर सभरवाल सीनियर्स को पनिश कर रहे हैं और उनके साथ है जीत, बटालियन कैडेट लीडर। सभी कैडेट से ऊपर जीत ही है। जूनियर्स इस पनिशमेंट वाले सीन को देखकर मजे नहीं ले सकते, तो इनको आगे बढ़ना होगा। अब गगन बॉयज को मार्केट लेकर गया। यहाँ फोन है, लेटर्स भेज सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, पर न्यू कैडेट्स को यहाँ बिना परमिशन आना अलाउ नहीं है। गगन यहाँ भी बॉयज के मजे ही ले रहा है। उनको टीज करते हुए ये उनके सारे बाल कटा देता है। इस हेयर कट वाली सिचुएशन में भी मनोज हैप्पी है। इस बंदे में इतनी पॉजिटिविटी है कि ये हर सिचुएशन में हैप्पी हो सकता है। फिर ये डिनर करने गए, यहाँ एक चेयर खाली है, शायद किसी को डिनर ना करने की पनिशमेंट मिली है, पर ऐसा नहीं है। गगन बताता है कि कुछ कैडेट्स वॉर में लड़ने गए थे बट वो वापस नहीं आए, तो ये चेयर हमेशा उनकी मेमोरी में खाली रहती है। यहाँ खाते हुए रणधीर गगन से पूछता है कि क्या ये मार्केट जा सकता है, पर मार्केट में ओनली वीकेंड पर जाने की परमिशन है या फिर कभी परमिशन मिलने पर। रणधीर अपनी GF को मिस कर रहा है। अब नेक्स्ट डे से इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। आर्मी की ट्रेनिंग हार्ड होती है, तो बॉयज की बैंड बजी पड़ी है और ऐसे में कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक होने पर गगन पनिश करता रहता है। अभी गगन मनोज और एल्बर्ट को पनिश कर रहा है। मनोज ने अपना माइंड चलाया और पनिशमेंट से बचने को गगन के रूम को साफ करने का काम ले लिया, बट बेचारा एल्बर्ट अभी भी पुशअप्स कर रहा है। तभी गगन को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। ये अपने रूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मनोज को देकर जाता है। मनोज को ये अपना आर्मी का फर्स्ट मिशन लग रहा है। बताया था ना, इस बंदे के अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, पर इसे क्या पता था कि एल्बर्ट कितना हरामी है। गगन के जाते ही एल्बर्ट ने पुशअप्स करना बंद कर दिया और गगन की अलमीरा में सामान देखने लग गया। इसको गगन की एक अंडरवियर मिली। मनोज इसे अंडरवियर वापस रखने को बोल रहा है, पर इन दोनों के बीच खींचातानी में वो अंडरवियर फट जाती है। मतलब बेचारे मनोज का फर्स्ट मिशन टोटली फेल हो गया। अब बस देखना है कि क्या पनिशमेंट मिलेगी इसको।
मनोज उस अंडरवियर को अपने पास रख लेता है और पूरा रूम अच्छे से साफ कर देता है। मनोज का गुड लक कि गगन को अपने मिसिंग अंडरवियर का पता ही नहीं चला। तभी गगन मनोज को मार्केट से एक मैगजीन लाने भेजता है। मनोज अब अपने दूसरे मिशन पर है, पर इस बार इसके साथ है रणधीर। मार्केट में बस मनोज को भेजा गया था, पर रणधीर फिर भी चला गया। इसे अपने जीएफ से बात करनी थी क्योंकि ये आर्म फोर्स में उसे बिना बताए आ गया था। रणधीर यहाँ आकर कॉल पर तान्या को मनाने का ट्राई कर रहा है। तान्या को यूएस से टू यूनिवर्सिटीज से लेटर आ गया था, पर वो नहीं गई क्योंकि रणधीर और तान्या ने साथ में कुछ प्लान्स बनाए थे। पर अब जब रणधीर बिना बताए यहाँ आ गया और इतने टाइम के बाद अब जाके कॉल कर रहा है, तो तान्या गुस्सा हो जाती है और कॉल कट कर दी। इनका ब्रेकअप पक्का। रणधीर यहाँ अपने फादर के फोर्स करने पर आया है। मार्केट में एक और प्रॉब्लम हो गई कि रणधीर को यहाँ रवि ने देख लिया, बटालियन डेप्यूटी लीडर। मार्केट में एक साथ टू न्यू कैडेट्स को जाना अलाउ नहीं था। रवि अब इसकी कंप्लेन कर देता है। अभी इस कंप्लेन पर जीत ने गगन को बहुत सुनाया क्योंकि उन कैडेट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी गगन की थी। फिर नाइट में गगन ग्रुप बनाकर आया और मनोज और रणधीर को सोते हुए बहुत मारा। मारने के बाद रणधीर की ब्रेकअप वाली सिचुएशन का मजाक भी बनाया। फिर ये सभी कैडेट्स को रूल तोड़ने पर ऐसे ही पनिश करेगा, ऐसी धमकी देकर चला गया। रणधीर मनोज पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि इसके ब्रेकअप वाली बात के टाइम वहाँ बस मनोज ही था। मनोज ने अपने ग्रुप की बात लीक नहीं की थी और गगन तो पर्सनल होकर लाइन क्रॉस किया ही था। तब एल्बर्ट इनकी सिचुएशन ठीक करता है और बोलता है कि ये सब रवि ने फैलाया है, तो इनको एक दूसरे की प्रॉब्लम में साथ देना चाहिए। अब इनके ग्रुप ने गगन की वो फटी हुई अंडरवियर फतेह कंपनी के बोर्ड पर लटका दी। आगे गगन से इनका रिवेंज अब रवि लेगा। रवि ने अगेन जीत को कंप्लेन कर दी और जीत अब गगन की ले रहा है ग्राउंड में। गगन पूरी सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा है, पर बिना सबूत के कोई फायदा नहीं है। मनोज खुद तो एक्सेप्ट करने नहीं वाला था, पर फिर भी बात तो फैल गई कि ये कांड इन चारों के ग्रुप ने किया था। चारों बहुत खुश थे, पर जब रवि को पता चला तो ये अगेन इनके पीछे आ गया। रवि इन चारों की साइकिल को पंचर कर देता है और अपनी कंपनी फतेह का एफ वाला लेटर छोड़ देता है। चारों ने जब अपने पीछे रवि को बॉयज के साथ देखा तो इनकी बैंड बज गई। बट इनकी फाइट रोकने जीत वहां आ गया। जीत को लग रहा है कि ये कल्प्रिट को पनिश कर चुका है, पर कल्प्रिट तो ये चारों हैं। रवि के पास भी अभी कोई प्रूफ नहीं है, तो रवि को ही जाना पड़ा। पर इसके बाद से रवि बार बार इन लोगों को पोक करने लगा। फिर कुछ डेज ऐसे ही चलने के बाद सभी की फैमिलीज के लेटर्स आ गए। एल्बर्ट नीरज का लेटर ले लेता है ताकि थोड़ा मजा कर सके। नीरज की माँ ने लेटर में लिखा था कि इसके जाने के बाद वे न्यू भैंस लिए हैं और नीरज के पापा ने उसका नाम नीरजा रखा है। इन्हीं में से एक लेटर नीरज के भाई का भी था। वो लिखा था कि जैसे एंट्रेंस टेस्ट में जुगाड़ से पास हो गया वैसे वहाँ नहीं चल पाएगा, वापस गांव आ जाए। ये बस भैंसों को चारा खिलाने के लिए ही पैदा हुआ है। इस लेटर को पढ़कर अपना पढ़ाकू मनोज अपसेट हो गया, पर बाकी दोनों खुश हैं। ये तो नीरज को जुगाड़ू जुगाड़ू बोल रहे हैं। नीरज इन्हें मना कर रहा है कि इसने कोई चीटिंग नहीं की थी। फिर इनको रेस की ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। रेस 8 किलोमीटर की थी। स्टार्ट में तो सभी में जोश था, पर यहाँ भी रवि के ग्रुप ने रणधीर की एक्स पर कमेंट कर दिया। ये कोई चांस नहीं छोड़ रहे थे बुली करने को। रणधीर को गुस्सा आ गया, ये फाइट करने वाला था, पर तभी जीत ने आकर अगेन फाइट को रोक दिया। जीत को कोई फाइट नहीं चाहिए, चाहे रीजन कोई भी हो। फिर बाकी 3 बॉयज की तो अलग ही प्लानिंग चल रही है। नीरज अब आगे नहीं जा पाएगा, तो ये प्लान बनाता है कि यहीं झाड़ियों में छिप जाते हैं। जब सभी वापस आ रहे होंगे तब ये भी उनके साथ चले जाएंगे। नीरज के जुगाड़ से एल्बर्ट तो खुश है, ये छिपने को रेडी हो गया। और अपना पढ़ाकू जिसको चीटिंग पसंद नहीं थी, यहाँ रियल हीरो बनने आया था, ये भी इनके साथ छिप गया। तीनों का बैड लक, सार्जेंट इन्हें पकड़ लिया। सार्जेंट इन्हें बताता है कि ये 8 किलोमीटर की रेस बस ईयरली इंटरनल कॉम्पिटिशन पॉइंट के लिए नहीं है, इस रेस से कैडेट्स को बॉर्डर के लिए फिट बनाया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जब इन तीनों ने रूल तोड़ा है तो इन्हें 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर कादंबरी केव तक जाने की पनिशमेंट मिली। रणधीर भी इनके ग्रुप का था, तो उन तीनों के चक्कर में इसे भी ये पनिशमेंट पूरी करनी पड़ेगी। जब ये 8 किलोमीटर की रेस पूरी नहीं कर पाए तो 16 किलोमीटर की कैसे करते। नीरज ने अगेन अपना जुगाड़ लगाना स्टार्ट कर दिया। ये प्लान बनाया कि किसी से लिफ्ट ले लेंगे, बट रणधीर बताता है कि ऐसा पहले भी कैडेट स्ट्राइक कर चुके हैं और पकड़े गए हैं। तब इनका न्यू प्लान बना कि ये हाफ रोड साइकिल से क्रॉस करेंगे। साइकिल चोरी होने का डर होगा, उनको छिपाने का काम नीरज करेगा।
नेक्स्ट डे ये लोग मेन रास्ते से ना जाकर जंगल के रास्ते से साइकिल चलाते हुए जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। फिर पहाड़ आने पर नीरज ने साइकिल को एक तालाब में छिपा दिया। एल्बर्ट और रणधीर तो नीरज के जुगाड़ू दिमाग से खुश हैं, पर मनोज को अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है। ये रणधीर से पूछते हैं कि क्या इसे नीरज के एंट्रेंस में चीटिंग करने से प्रॉब्लम नहीं है, पर रणधीर के अकॉर्डिंग नीरज को एटलीस्ट क्लियर तो है कि ये आर्म फोर्स में आना चाहता है। अभी ये पीक पर टाइम से पहले ना पहुंच जाए इस डर से एक स्पॉट पर रेस्ट करने को बैठ गए। एल्बर्ट का ध्यान गर्ल्स पर है, ये रणधीर को एक लड़की के पास बातें करने भेजता है, थोड़ा चिल करेगा। एल्बर्ट बहुत अजीब था, रणधीर उससे बात करने चला गया और अपनी इस आर्म फोर्स जॉब का एटीट्यूड दिखाने लगता है। बट लड़की को पहले से पता था कि ये लोग न्यू कैडेट्स हैं और इनकी गन्स भी बस डमी हैं, मतलब फेक। बेचारे रणधीर का पोपट हो गया। तभी फतेह ग्रुप के बॉयज भी रेस करते हुए वहीं आ रहे थे, तो इन चारों को यहाँ से निकलना पड़ा। अब ये रेस करते हुए पहाड़ की पीक पर चले जाते हैं और सर्जेंट इन्हें टिकट देता है और वार्निंग भी कि अगर अगेन चीटिंग करते पकड़े गए तो ये इनकी धज्जियाँ उड़ा देगा। बॉयज को लगता है कि सर्जेंट को इन पर शक हो गया था। अब ये वापस आ रहे हैं और रणधीर अगेन वही गर्ल से बात करने गया। बात नहीं कंपनी देने, पर कोयल का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और वो भी फतेह कंपनी से, वो भी यहीं आया हुआ है। तो अब रणधीर को अगेन पोपट कराकर यहाँ से निकलना पड़ा। फिर जब ये अपनी साइकिल वाली जगह गए, इनका एक और बैड लक, मनोज की साइकिल चोरी हो गई। अभी नीरज इरिटेट हो चुका है जुगाड़ू सुन सुनकर। ये चिल्लाने लगता है कि जुगाड़ू नहीं है ये, ना ही इसने एंट्रेंस में कोई चीटिंग की थी, वो तो इसका भाई इसको बचपन से बुली कर रहा है, जीना हराम करके रखा है उसने इसका। इसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है गांव में, इसलिए ये यहाँ अपनी इमेज बनाने आया है, पर भाई को इसमें भी शांति नहीं है। अब जाके मनोज को वापस नीरज पर ट्रस्ट हुआ और फिर गुड लक साइकिल मिल गई। तभी सार्जेंट बाइक पर उसी रोड से आ रहा था, ये लोग वहीं छिप गए और बच गए। फिर ये जब रेस पूरी करके वापस आते हैं, सार्जेंट इनसे पूछता है कि मैंने तो तुम लोगों को रास्ते में वापस आते नहीं देखा। नीरज बहाना देता है कि इसका पेट खराब था इसलिए खेत में गया था, इनका झूठ काम कर गया। बट जब वापस आए थे तो जीत ने इन्हें जंगल से आते हुए देख लिया था। बेचारे पूरा रूट कंप्लीट कर लिए थे पर एंड में पकड़े गए। अब इनकी पनिशमेंट इससे भी ज़्यादा हार्ड हो गई कि इन्हें नेक्स्ट 4 संडेज उसी कादंबरी पीक को चढ़ना होगा। फिर 4 मंथ्स तक ऐसे ही घिसने के बाद अब जाके इनको वीकेंड पर बाहर जाने का मौका मिलेगा, फ्रीडम फील करने का मौका मिलेगा। बस इसमें एक स्पीड ब्रेकर है, वो है मेजर सपरवाल का ड्रिल टेस्ट। उसको पार कर लिया तो इस संडे बाहर जा पाएंगे। मनोज पूरा कॉन्फिडेंट है ये इस ड्रिल टेस्ट में यहाँ का किंग बन जाएगा। बट जब ड्रिल टेस्ट कंप्लीट हुआ उसमें फेलियर 2 ही थे मनोज और नीरज, इन दोनों को छोड़कर सभी बाहर जा पाएंगे। इस बार इनके बाहर जाने से रिलेटेड एक न्यू रूल बना है, इनको पार्टनर बनाकर भेजा जाएगा। अगर कोई कैडेट गलती किया तो उसकी पनिशमेंट उसके पार्टनर कैडेट को भी मिलेगी। अभी ये डिनर कर रहे हैं तभी चिराग रणधीर को बोलता है कि इसके फादर और रणधीर के फादर मिलने वाले हैं, रणधीर को भी इस संडे वहाँ जाना चाहिए। आफ्टर ऑल दोनों के फादर ब्रिगेडियर हैं और इस साल प्रेसिडेंट के मेडल के लिए कम्पीट कर रहे हैं, तो इन्हें उनकी कहानियाँ सुनने का मौका मिलेगा। मतलब रणधीर का संडे भी अब ख़राब होने वाला है। पर जब चिराग को पता चला कि इस बार कैडेट्स पार्टनर्स बनकर जा रहे हैं, रणधीर के साथ एल्बर्ट को भी ले जाना होगा, ये खुद ही रणधीर को नो बोलकर चला गया, क्योंकि एल्बर्ट बिल्कुल इनकी आर्मी वाली फैमिली को फिट नहीं हो पाएगा। अब नाइट में एल्बर्ट को इसके अंकल का कॉल आता है, नेक्स्ट वीक इसके फादर की बरसी है और इसके चाचा से उनका होटल नहीं चल पा रहा है, वे जल्द ही उसे बेच देंगे। इससे भी ज़्यादा बिग न्यूज़ कि एल्बर्ट के चाचा अब इसकी मॉम से शादी करने वाले हैं। एल्बर्ट अपनी फैमिली से बिल्कुल खुश नहीं है, ये बस अपने फादर का ड्रीम पूरा करने को आर्म फोर्स में आया था। एल्बर्ट इस कॉल के बाद सैड हो गया और नाइट में एक सीक्रेट टनल से होकर एक हिडन प्लेस पर चला गया। मनोज ने एल्बर्ट को जाते देख लिया था, ये भी एल्बर्ट को फॉलो करते हुए वहीं आ गया। ये दोनों यहाँ चिल करते रहे पर एल्बर्ट अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता। हमेशा मस्ती मजाक करने वाले लड़के को भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी हमेशा खुश नहीं रहते। अभी एल्बर्ट उल्टा मनोज को हैप्पी कर रहा है ये बोलकर कि ये लोग मनोज के साथ ही फ्रीडम को सेलिब्रेट करेंगे, इस बार तो बस ऐसे ही बाहर जाकर वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट डे सभी संडे एंजॉय करने बाहर चले गए। यहाँ मनोज अपने फादर से बात कर रहा है। मनोज के फादर और मनोज का तो हमेशा से ड्रीम रहा है आर्मी ज्वाइन कराने का, पर मनोज की मोम का नहीं। वो नहीं चाहती थी कि मनोज आर्मी में जाए, ये तो उस डे से आज तक मनोज से बात नहीं की है।
मनोज अभी और ज्यादा सैड हो जाता है। उधर रणधीर और एल्बर्ट एक पार्टी में जाने का प्लान बना रहे हैं, पर तभी जीत यहाँ आकर रणधीर को उन ब्रिगेडियर अंकल से मिलने चलने को बोल रहा है। जीत रणधीर का कजन है। ये रणधीर को बोल रहा है कि अगर रणधीर इसके साथ वहाँ बोरोने नहीं आया तो इनकी रेस की चीटिंग के बारे में रणधीर के फादर को बता देगा। एल्बर्ट शॉक हो जाता है कि रणधीर के और कौन कौन से रिलेटिव है फोर्स में। अभी एल्बर्ट और रणधीर के पास इंजॉय करने को बस 2 आवर्स हैं, फिर तो रणधीर को जाना ही होगा। तो एल्बर्ट रणधीर को अपने बचपन की दोस्त गरिमा की बर्थडे पार्टी में ले गया, बट इनका बैड लक, फतेह ग्रुप के बॉयज भी वहीं थे, उनका भी कुछ कनेक्शन था गरिमा से। रणधीर तो यहाँ से निकलने को बोल रहा है, पर एल्बर्ट को यहीं पर फन करना है। इसी फन के चक्कर में फतेह ग्रुप के बॉयज से बहस हो गई और दोनों के बीच एक पूल मैच कंपटीशन स्टार्ट हो गया। अगर रणधीर ने इस मैच में रवि को हरा दिया तो ये लोग हीरो बन जाएंगे। रणधीर बचपन से पूल जैसे गेम्स खेलता आ रहा है, ये इस मैच को इजीली जीत गया। उधर जीत अकेले उन ब्रिगेडियर्स की स्टोरी के बीच में पक रहा है, रणधीर वहाँ नहीं जा पाया। और इधर एक मैच होने के बाद रवि ने एक और चैलेंज दे दिया। एल्बर्ट तो अगेन उन्हें हराने को रेडी था, बट अब रणधीर को गुस्सा आ गया। रणधीर को पता है कि इसके फादर अब कितना नाराज होंगे। एल्बर्ट के फादर के जैसे नहीं है रणधीर के फादर। एल्बर्ट तो हमेशा अपनी मस्ती में रहता है। एल्बर्ट इस टॉन्ट से सैड होकर गायब हो जाता है। उधर संडे वाले डे मनोज ने अपने इस फेलियर को सीरियस लिया और फुल डे मार्च की प्रैक्टिस की, जबकि नीरज तो बस उसे देखता ही रहा। अब रणधीर वापस आया तो एल्बर्ट यहाँ भी नहीं था। तब मनोज अपने दोस्तों को एल्बर्ट की उस टनल वाली खुफिया जगह लेके गया। वहाँ एल्बर्ट ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि इसके फादर की बरसी की डेट आने वाली है और इसके अंकल की शादी इसी की मॉम से होने वाली है, इसलिए मूड ठीक करने को इतनी मस्ती कर रहा था। फिर दोस्तों ने मिलकर इसे वापस से हैप्पी कर दिया और सब ठीक हो गया। इसी के साथ थर्ड एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको बाकी स्टोरी जानना है तो आपको बस इस वीडियो पर 2 डेज में 250 लाइक्स करने होंगे। वेब सीरीज काफ़ी लेंदी होती है तो हमें आपके रेस्पॉन्स से समझ आएगा कि आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हो या नहीं। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ला सकें। इसके अलावा हमारी एक और शॉपिंग से रिलेटेड फ्री सर्विस है, जहां पर आप हैवी डिस्काउंट से अमेजोन और फ्लिपकार्ट से सामान खरीद सकते हो। आपको बस हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहाँ हम आपको चीज़ों पर हैवी डिस्काउंट आते ही नोटिफाई करते रहते हैं। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से या पिंड कमेंट के लिंक से हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो।